सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो एक और वीडियो लेके आया हूँ फीचर माय कार सेगमेंट से। सो बड़ा अच्छा वाला पहला रिस्पांस आप लोगों ने दिया। सो दूसरी वीडियो जो है वो है हिमांग भाई के साथ, इनके पास है स्कोडा रैपिड, कौन से ईयर की है, क्या फीचर्स है, क्यों हम इसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका मैं पूरा जवाब आप लोगों को वीडियो के थ्रू दूंगा। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भाई ने गाड़ी है बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी हुई है, बहुत अच्छे शौक रखते हैं, और ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत हाईली मॉडिफाइड है, लेकिन स्टिल डिसेंट से ऊपर मॉडिफिकेशन है, और गाड़ी जो है बहुत अच्छी बनाई है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, वीडियो ध्यान से देखना और मेरे को ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबा कर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस, आप लोग देख रहे हो 2018 की स्कोडा रैपिड, ये 1.5 लीटर के जो इंजन के ऑप्शन में है वो आप लोगों को मिलती है। 4 सिलेंडर ये गाड़ी है, गाड़ी बहुत पावरफुल है, और जितने भी लवर स्कोडा के हैं वो एक बार स्कोडा खरीद ले तो उसके बाद कोई और गाड़ी नहीं खरीदते। हिमांग भाई ने जब ये वीडियो मेरे को भेजी थी इसमें उन्होंने वॉइस ओवर डाला था, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाई आप अच्छे से वॉइस ओवर करना, और आप लोग अगर बात करोगे स्कोडा की बैजिंग से लेके, अगर सबसे पहले हम लोग हेडलाइट के बारे में बात करें तो हेडलाइट में जो है भाई ने इसमें बड़े सारे मॉड्स कराए, जब भाई लाइट जला के दिखाएंगे तब दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बता देता हूँ एलईडी जो है इसमें फिलिप्स की ऊपर और नीचे फॉग लाइट्स में लगाई गई है। अपग्रेडेशन के बारे में बात करते हो तो एलईडी जो फॉग लाइट्स है और एलईडी हेडलैम्प्स का भाई ने कहा कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और उन्होंने इसको काफ़ी हद तक ड्राइव किया है। बीच में जो ग्रिल है उसको बोला जाता है बटरफ्लाई ग्रिल, जो कि स्कोडा की रैपिड में आप लोगों को अवेलेबल होता है। सो गाड़ी की अब हम लोग जा रहे हैं साइड प्रोफाइलिंग की तरफ। तो साइड प्रोफाइलिंग की तरफ में अगर आप लोग देखोगे गाड़ी को बहुत डिसेंटली जो है वो भाई ने संभाल के रखा हुआ है, हल्का सा एक डेंट मैंने गाड़ी की तरफ आगे देखा था। जहां तक आप बात करोगे अलॉय व्हील्स के बारे में तो इस वाले वेरिएंट में जो एम्बिशन वेरिएंट आता है इसमें आप लोगों को केवल 15 इंची का अलॉय का ऑप्शन मिलता है। भाई ने कंपनी से ही इसमें 16 इंची का जो टॉप एंड वाला अलॉय आता है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया। भाई एक बड़ी अपग्रेडेशन वाली चीज़ है और बहुत बढ़िया है जो कि भाई ने इसमें करवाया है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्कोडा रैपिड एम्बिशन मतलब एक जो इसका नाम है वो बहुत रिनॉन्ड है। और इसी के साथ में अगर आप लोग बैक प्रोफाइलिंग के बारे में बात करोगे तो बैक प्रोफाइलिंग में भी भाई ने जो ये स्पॉइलर आप लोग लगा हुआ देख रहे हो ये आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही आप लोग टॉप एंड वेरिएंट वाला लगा सकते हो। इस वाले वेरिएंट के अंदर ये चीज आपको लगी हुई देखने को नहीं मिलेगी। अब हमारा जो है बूट ओपन हो चुका है, बूट में पीछे कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि भाई ने कोई भी हाई एंड म्यूजिक सिस्टम नहीं लगाया, लेकिन आगे की तरफ में कॉम्पोनेंट अच्छे हैं। जो आप लोग अभी कैमरा देख रहे हो रिवर्स कैमरा, ये भाई ने एली एक्सप्रेस से मंगाया था और ये गाइडलाइंस के साथ काम करता है। आप लोगों को ये भी चेकआउट कराऊंगा कैसा यह देखने में लगता है। और इसी के साथ में इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसकी जो क्लैरिटी है वो बहुत जबरदस्त है, और उसका रिस्पॉन्स मेरे को भाई ने शेयर किया था कि हाँ भाई ये जो है बिल्कुल ओके है। भाई ने इसके रूफ रैपिंग से लेके या कोई और चीज़ में बिल्कुल भी छिड़खानी नहीं कराई, क्योंकि भाई ने बताया कि इसको जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए रखते हैं, लेकिन अगेन इसके अंदर जो साउंड का काम है वो भाई ने बहुत जो है सोच समझ के और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करवाया, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। स्पेशलिटी जो इस गाड़ी के अंदर है वो है भाई डीडी की रेड लाइन कॉम्पोनेंट जो है वो इस गाड़ी के अंदर लगे, आप लोगों को उसकी प्लेसमेंट जो है वो मैं चेकआउट करा दूंगा। साइड के गत्ते के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, अगेन ये गाड़ी बिल्ड वाइज जो है बहुत ज़बरदस्त आती है, इसमें आप लोगों का साइड फोल्डेबल मिरर से लेके अनलॉक तक का, आप लोगों के पावर विंडोज़ और आप लोगों का पीछे का जो बूट खोलने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। 70 मैट्स देख पा रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव होते हैं 70 मैट्स बोलते हैं लोग, लेकिन मेरा कहना है कि भाई हमेशा डबल फ्लिप लगाओ, लेकिन भाई बहुत खुश है इससे, कहते हैं कि भाई ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है और अभी तक बहुत टाइम हो चुका है इनको लगवाए हुए और इनका रिस्पॉन्स अच्छा है। जहाँ तक आप सीट कवर्स के बारे में बात करोगे, बर्फी डिज़ाइन आप लोग कह सकते हो या फिर डायमंड डिज़ाइन जो आप लोग बोलते हो वो आप लोगों को यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग क्लोजर व्यू की उससे देखोगे तो डिज़ाइनिंग जो है कहीं ना कहीं मिलती जुलती आप लोगों को मेरी i20 की याद दिलाएगी, लेकिन इंटीरियर का अगर ये कलर का ऑप्शन बात करोगे तो भाई ने बहुत अच्छा वाला काम करा रखा है। पीछे की तरफ में अगर हम लोग जाते हैं तो पीछे की तरफ में आप लोगों को जो सिटिंग पोस्चर पूरा मिलता है उसमें भी अगर आप बर्फी डिज़ाइन का रिस्पॉन्स देखोगे बहुत ज़बरदस्त है। बीच में आप लोगों को आर्मरेस्ट मिलता है और नीचे आप लोगों के 70 मैट्स है। भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं क्योंकि आप लोगों को पीछे से एक आगे का ओवरव्यू दिखा रहे हैं, तो भाई एक बार आप लोग अगर बीच में देख पा रहे होगे एक एंड्रॉयड यूनिट लगाई गई है, यह हाइपरसोनिक की एंड्रॉयड यूनिट नहीं है, तो इस यूनिट का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत पॉजिटिव है। और जैसा मैंने आपको कहा था डीडी की रेडलाइन सीरीज का जो कॉम्पोनेंट इसमें दो पेयर इंस्टॉल किया गया, उसके ट्विटर जो आप लोग इजीली पीछे देख सकते हो उसको प्लेसमेंट कैसे की गई है। और इसमें परफेक्ट जो आप लोगों का मेन गत्ता या पैनल होता है उसकी कटिंग करके इसको उसमें इंस्टॉल किया गया। अगेन आगे की तरफ में भी अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो आपके ट्विटर्स की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट चके हो रखी है। तो भाई जो है अब बैठने वाले हैं गाड़ी के अंदर, तो इग्निशन जो है भाई ने ऑन किया जिससे आप लोगों को आगे की तरफ ले जाके वो एक चीज दिखा सके। तो बेसिकली जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो इग्निशन के साथ में ये थोड़ा डीआरएल लुक वाला एक चीज आप कह सकते हो,
ठीक है। तो इसमें बेसिकली यूनिडायरेक्शन वाले जो बल्ब्स आते हैं वो यहाँ पर भाई ने इंस्टॉल किए हुए हैं, और इसी के साथ में इनके पास जो फॉग लाइट है उसमें इन्होंने ओसराम के कैनवस के बल्ब डाले, बहुत पॉजिटिव चीज़ है भाई। ये एक बंदा जो लाइटिंग का थोड़ा आइडिया रखता है वही इन चीज़ों के बारे में जान सकता है, और लोगों को नहीं पता होता, लेकिन स्टिल इसका जो नाइट मोड है वो काफ़ी देखने में हैंडी लगता है, अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं प्रेफरेंस वाइज वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है भाई जो है आप लोगों को लाइटिंग का रिस्पॉन्स भी ज़रूर इसमें चेकआउट पूरा करवाएंगे, तो अब देख लो भाई, ठीक है। तो आगे की तरफ में हम लोग आ चुके हैं, और अब आप लोग जो जला हुआ देख रहे हो वो है कैनवस वाला आप लोगों का, ठीक है। तो कैनवस वाला ओसराम के बल्ब्स आते हैं, अगर आप में से किसी को भी ट्राई करना आप लोग कर सकते हो। जैसा मैंने आपको कहा था भाई ने नीचे फॉग लाइट भी ऑन कर दी है, इसके अंदर भी फिलिप्स वाली LED इंस्टॉल कराई है, और रिस्पॉन्स वाइज मैं वैसे LED से ज़्यादा खुश होता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा LED यूज़ किया है, लेकिन स्टिल भाई का कहना था कि भाई जो LED है उसके अंदर दम है और ये अच्छा खासा वाला जो रिस्पॉन्स है वो देती है। एंड जो आप लोग देख रहे होंगे LED बहुत क्लोजर व्यू से भाई ने आपको दिखाई कि हेडलाइट के अंदर भी आप लोगों को फिलिप्स वाली LED देखने को मिल जाएगी। अगेन भाई जो है वो आप लोगों को हाई बीम और लो बीम का रिस्पॉन्स भी इसमें ज़रूर चेक करा देंगे। सो दूर से तब तक एक ओवरव्यू देख लो, और पता है ये अभी ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन रात के टाइम पे जब मतलब एक तरीके से 5-6 बजे वाला टाइम हो रखा है और आप गाड़ी चला के आ रहे हो, तब इसको देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई कितना ज़बरदस्त वाला ओवरव्यू होगा। और इस टाइम पे आप लोगों के हेलोजन बल्ब्स को रिप्लेस करके जो भाई ने LED बल्ब्स लगाए वो ऑन कर रखे हैं, और इसमें हाई बीम और लो बीम का जो रिस्पॉन्स होगा वो भी आप लोगों को ज़रूर चेक कराया जाएगा। और भाई काफ़ी ट्रेंड इन है, ऑल दो विंटर्स में मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वाइट बल्ब या वाइट किसी भी तरीके की चीज़ रखो, तो इसमें हाई बीम लो बीम आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हाई बीम और लो बीम भाई आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ LEDs में क्या होता है हाई बीम और लो बीम का ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता है, तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड मत करना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये एंड्रॉयड यूनिट। ये एंड्रॉयड यूनिट जो है बिल्कुल आप लोग देख रहे हो स्कॉडा का इसमें साइन दिखेगा, तो इवन अगर आप लोग चाहो तो अपग्रेडेशन आप लोग हाइपरसोनिक के लिए भी अगर जाते हो तो उसमें आप लोगों को सेम ऑप्शन मिल जाएगा। ये विद कैनवस वाला आता है, इसमें बहुत जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो है भाई, और आप लोग मेरे को पता है कि फीचर देखना चाहते होंगे क्या क्या है, सब कुछ सेम है आप लोगों को। इवन मैं जो रेडलाइन सीरीज का रिस्पॉन्स है, मैं रेडलाइन सीरीज का आपको रिस्पॉन्स भी सुनाता हूँ, आप इंजॉय जरूर करना, ठीक है। ये आप सुनो, तो गाइज़ आप लोगों ने आवाज़ सुन ली ज़रूर बताना आवाज़ कैसी लगी। मैं आप लोगों को इसका कैनवस चेक कराने वाला हूँ, अगर आप लोग इसमें देख पाओगे तो स्क्रीन में आप लोगों को हैंड ब्रेक वाला ऑप्शन अभी दिख रहा होगा कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। भाई हैंड ब्रेक जैसे हटाएंगे देखिए उसमें ग्रीन लाइट जल जाती है, इसी के साथ में आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो तक बता रहा है, कितना इसमें तेल बचा हुआ है वो भी बता रहा है, इंजन स्पीड बता रहा है, अगर आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई होगी तो उसका भी एरर आ जाएगा, और डोर जैसे ओपन करते हो सबसे बड़ा जो कैनवस से फ़ायदा होता है वो यही होता है। बैटरी की अगर आप वोल्टेज के बारे में बात करोगे उसकी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इवन क्लीनिंग लिक्विड्स का अगर आप देखोगे वो भी ओके दिखा रहा है। और इसी के साथ में ये आप लोगों का जो भाई ने मंगाया था बाहर से कैमरा उसका रिस्पॉन्स है, इसमें आप लोग देखोगे तो ग्रिड लाइन जो है वो आपके स्टेयरिंग के साथ पूरे परफेक्ट तरीके से मूव कर रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसी के साथ में अगर आप बात करते हो कि भाई इसका जो क्लस्टर है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो पूरा आता है वो कैसा है, बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, लेकिन स्टिल भाई इस गाड़ी के अंदर पावर है, और इस गाड़ी के अंदर जो रिस्पॉन्स वाइज अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो भाई इस गाड़ी के अंदर रिस्पॉन्स जरूर बहुत अच्छा है। एक बार आप लोग अभी देख रहे हो इंजन का ओवरव्यू, तो इंजन का ओवरव्यू अगर आप लोग चेकआउट करते हो तो पूरा एक बार इंजन का ओवरव्यू आप लोग चेकआउट कर लो, और बहुत क्लीन रखा हुआ है 2018 के उससे। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, फीचर माय कार का जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छी तरीके से निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें मेरे साथ वीडियोस भेजना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो उस तरीके की वीडियो नहीं भेज रहे जिसको मैं मतलब नरेशन करके डाल सकूं। तो अगर आपने आज हिमांग भाई की अश्विन भाई की वीडियो देखी है, अगर आप दोनों में से किसी भी तरीके से वीडियो बना सकते हो, इवन जो हिमांग भाई ने वीडियो बनाई बहुत अच्छी बना रखी थी,
थी, बहुत डिसेंट थी और बहुत अच्छी तरीके से बनाई थी, जैसी मैं प्रेफर करता हूँ। अश्विन भाई की तो बिल्कुल मस्त वाली, कहते हैं ना भाई, पूरी स्पोर्टी ओटी वाले स्टाइल में थी, तो वो और ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अगर आप लोग हिमांग भाई जैसी बनाना चाहो या अश्विन भाई जैसे बनाना चाहो, आप लोग बना के मेरे को भेज सकते हो ऑफिशियल मुसाफिर आका जोशी @gmail.com में। और भाई मुसाफिर आका जोशी का जो पूरा ये ईमेल आईडी है, इसमें आप लोगों को जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ एलोकेट होगा जिसके थ्रू हम लोगों की ये पूरी फाइल ट्रांसफर होगी। जो भी वीडियो शूट कर रहे हो 1080p 60 या 30 फ्रेम में करना, अगर आईफोन है सैमसंग है तो मोर प्रेफरेबल है। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर बना सकते हो तभी बनाना, नहीं बना सकते तो मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल ड्राइव में अपने डालनी है और मेरे को उसमें भेजनी है, सो आई होप कि आप लोग करोगे। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि भाई वीडियो बढ़िया थी तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर स्क्वाड। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड